नमस्कार, मैं सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, गांव की गूंज दिल्ली तक। आज की ब्रेकिंग न्यूज आ रही है जम्मू कश्मीर से। हमारे साथी मीर आसिफ ने दी रिपोर्ट। सोपोर में आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर किया हमला। श्रीनगर 12 जून उत्तरी कश्मीर के सोपोर के आरामपोरा इलाके में शनिवार को संदिग्ध आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर की गोलाबारी। अभी तक की ये सबसे बड़ी खबर, जिसमें उग्रवादियों ने हमले में 2 पुलिसकर्मी मारे व 1 नागरिक मारा गया तथा अन्य कई लोग हैं घायल। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि आतंकियों ने आरामपोरा के नाका में घुसकर पुलिस व CRPF संयुक्त टीम पर किया हमला। हालांकि इस घटना में अभी किसी तरीके की हताहत होने या चोटिल होने की खबर नहीं। उन्होंने बताया कि इस बीच भाग रहे आतंकवादियों को पकड़ने के लिए पूरे इलाके में की है घेराबंदी। विवरण आ रहे हैं सामने। और इसी तरह मीर आसिफ ने बताया है कि सुरक्षा बलों ने अभी इलाके की घेराबंदी करके आतंकियों की तलाश शुरू कर दी है और सर्च ऑपरेशन बेहद सघन तरीके से जारी है। यह पूरा का पूरा मामला आतंकी हमले में लश्कर के जुड़े होने से करके देखा जा रहा है। यह सोपोर का इलाका है। इस घटना में पुलिस वाले मारे गए हैं, जैसा आपने रिपोर्ट में सुना है, और 2 स्थानीय लोगों की भी मौत हो गई है, कई लोग घायल हैं। इस तरीके की घटना जम्मू कश्मीर में 370 की धारा के बाद अब बढ़ रही है। इसके पीछे आतंकी लश्कर संगठन का हाथ माना जा रहा है। यह पूरी रिपोर्ट आपने देखी, हमारे साथी मीर आसिफ ने जम्मू श्रीनगर से भेजी थी। देश भर की तमाम खबरें व ब्रेकिंग न्यूज सुनने के लिए जुड़े रहे लोकल न्यूज ऑफ इंडिया के साथ। धन्यवाद।